दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पबजी आरपीडी मोड के बारे में। इसमें क्या क्या नए अपडेट्स हैं, क्या क्या नया फीचर्स है, इसमें जॉम्बीज जो आते हैं वो आपका पीछा करते हैं, कितने तरह के जॉम्बीज होते हैं और आपके एनिमीज इसमें कौन कौन होते हैं, कितने किल्स आप ले सकते हो, और पबजी ने कई सारी चीज़ें इसमें से हटा दी है। आरपीडी प्लेस पे अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, क्या कुछ नए लूट्स मिलते हैं और क्या क्या होता है, और आप कैसे इसमें नाइट में सर्वाइव कर सकते हो, जॉम्बीज से कैसे लड़ सकते हो, आइए देखते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आरपीडी मोड में नया क्या क्या आया है मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप पीछे बैकग्राउंड कुछ नया है, इस पे आरपीडी लिखा हुआ है और यहाँ पे ये ऑप्शन आप देख सकते हैं सर्वाइव टिल डॉन लिमिटेड टाइम ओनली। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसमें क्लासिक और एक्यूरेट मोड तो पहले से ही था, इसमें इवेंट मोड एक बहुत नया जुड़ गया है जो कि आप अपने टीम के साथ खेल सकते हो, और इसी मोड में आपको जॉम्बी भी देखने को मिलेंगे। इस मोड को आप यहाँ से भी सिलेक्ट मोड से भी सिलेक्ट कर सकते हो इवेंट मोड, तो सब कुछ वैसा ही है। इसमें बस ये है कि कुछ जॉम्बीज आपको नए देखने को मिल जाते हैं जो कि इन्फेक्टेड टाइप के पर्सन होते हैं और उनको भी मारने का आपको किल अलग मिलता है। इसमें कई तरह के जॉम्बीज भी आते हैं जो कि आपका पीछा करते हैं और रात में इनकी पावर और भी डबल हो जाती है और भी तेज़ी से आपके पीछे आपको मारने की कोशिश करते हैं ये लोग। और इस मोड में हमें बहुत कुछ चेंज देखने को मिलेगा। अगर हम अपने प्रोफाइल में जाते थे तो ये देखिए इसका पूरा लेआउट, पूरा कस्टमाइजेशन बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। ये जैसे कि हम यहाँ पे अचीवमेंट देख सकते हैं, टीयर और रिव्यू देख सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में पहले जब हम आते थे तो हमारे जो लेआउट था उसका कलर पूरा ही चेंज कर दिया गया है। कैरियर रिजल्ट में जो हमारे पिछले गेम्स होते थे उसका पूरा हम डेटा देख सकते थे और अपने जो भी फ्रेंड्स, जो भी टीममेट्स के साथ हम खेलते थे उसके भी प्रोफाइल को हम खोल के देख सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने इस वाले गेम को खोल के देखता हूँ तो ये रिट्स मून वाइटी जो फर्स्ट वाला पर्सन है, मैं इसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ओपन नहीं हो रहा। इसमें सिर्फ अब आप उसका स्टैट्स देख सकते हैं, उसका प्रोफाइल खोल के नहीं देख सकते हैं। यहाँ से सिर्फ आप ये फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इनको और ये लोग आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे तो ही आप इनका प्रोफाइल खोल के देख सकते हो, ठीक है। ये सबसे बड़ा चेंज है इसमें। और अगर मैं ट्रेनिंग मोड में आता हूँ तो इसमें आई गॉट सप्लाईज वाला ऑप्शन हट गया है, तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया है। मैं आई वाले लिंक में उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप ऊपर जो आई बटन बना हुआ है इस पर ओके करके आप आई गॉट सप्लाईज अपने जो मैसेज है उसमें ऐड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को आई गॉट सप्लाईज मार्क कर सकते हो अगर आपको कोई भी सप्लाई मिलता है तो। जैसे कि ये मैसेज में यहाँ पर जो ऑप्शन है आई गॉट मैट्स, आई गॉट सप्लाईज, ठीक है, ऐसे आप सप्लाई दे सकते हो। तो ये बहुत ही नया चेंजेस था इसमें और मैं आपको बताता हूँ आपकी जॉम्बी मोड आप कैसे खेल सकते हो बाहर आते ट्रेनिंग मोड से। जब हम यहाँ सर्वाइव टिल डॉन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये ओके कर देंगे और यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो हमारा जॉम्बी मोड का गेम शुरू हो जाएगा। इसमें एक आरपीडी हाउस होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है मैं आप वीडियो देखते रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिए, मैं आपको फुल डिटेल बताऊँगा। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, ठीक है। आप कैसे जॉम्बी से लड़ सकते हो, कैसे जॉम्बी से आप बच सकते हो, कैसे उनको मार सकते हो, कैसे आप चिकन डिनर ले सकते हो, इसे पूरा फुल मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही गेम शुरू होता है, आपके चार मेट्स होते हैं और इसका जो मैप होता है बहुत ही छोटा होता है, बहुत बड़ा मैप नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं मेंशन के पास से उतर रहा हूँ और यहीं पर मुझे ये आरपीडी हाउस दिख रहा है, ये बड़ा सा वाइट कलर का हाउस है और उतरते ही मुझे बहुत सारे जॉम्बीज दिख रहे हैं, ये इन्फेक्टेड वाले जो पर्सन है और ये मेरे पीछे आ रहे हैं, मैं इनको मार रहा हूँ तो ये किल वाला ऑप्शन भी आ रहा है, इनका हाथ बना हुआ आ रहा है, ये इन्फेक्टेड टाइप के पर्सन है और इनसे मुझे लूट भी मिल रही है। तो आरपीडी हाउस में बस हमें यही देखने को मिलता है और इसके अंदर जाके एक जॉम्बी भी मिलता है, एक बड़ा जॉम्बी मिलता है। जो ये इन्फेक्टेड वाले पर्सन है इनको जॉम्बी बोलते हैं और ये मैं जा रहा हूँ अंदर देखता हूँ और क्या क्या है। पहले मैं दिखाता हूँ बाहर से कि ये हाउस दिखता कैसे, ये देखिए आरपीडी हाउस ये लिखा हुआ है और एक घड़ी सी बनी हुई है लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पहुँच सकते हो, मेंशन के बिल्कुल ही पास में है, ये बिल्कुल ही एडजेसेंट में है, मैप में ये शो नहीं होगा, आपको मेंशन उतर के फिर यहाँ पे आना पड़ेगा। कई बार ये हाउस दिखता है और कई बार नहीं भी दिखता है, तो ऐसे आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर, जितने भी जॉम्बी जाएंगे उनको मारते हुए हम अंदर जाएंगे और अंदर जाके हमें एक बड़ा सा जॉम्बी देखने को मिलेगा जिस पर कुछ स्टेज वन टाइप ऐसे कुछ लिखा होगा कि मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे लेफ्ट से देखिए कोई अटैक कर रहा है,
ये रहा बड़ा जॉम्बी, इसको मैं मारूंगा, ये स्टेज वन जी जॉम्बी लिखा हुआ है, ये अटैक कर रहा है मेरे ऊपर, हाथ में कुछ लिया हुआ है, तो इसको हम मार रहे हैं, तो इसका जो इसका ब्लड है वो कम हो रहा है, जब इसका ब्लड ख़त्म हो जाएगा तो ये मर जाएगा। इसका क्रेट भी देखिए, उस पर कुछ बना हुआ है, जो मूवी थी रेजिडेंट एविल हॉलीवुड की कुछ वैसा ही है, इनका जो लोगो और इनके जो होलोग्राम्स बने हुए हैं। और इसके अंदर जाने पे हमें और क्या मिलता है, इसके अंदर भी कुछ खास अलग देखने को नहीं मिलता, इसके अंदर भी हमें जॉम्बी देखने को मिलेंगे और वो हमारा पीछा करेंगे और उनको हम मारेंगे, तो फिर वैसा ही जो क्रेट अभी पीछे मिल रहा था हमें वैसा ही मिलेगा। और जॉम्बी में एक खास बात और है कि जॉम्बी की फुटप्रिंट आपको देखने को नहीं मिलेगी आपकी स्क्रीन पे, वो रेड कलर का कुछ एरो टाइप का शो होगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके पास जॉम्बीज आ रहे हैं और आपको उनसे बचना है या उनसे भागना है जो भी है। और घर के अंदर हम जैसे जैसे जॉम्बी को मारेंगे तो फिर उससे हमें लूट मिलेगी, बहुत ही अच्छी लूट मिलेगी, जैसे कि देख लीजिए मैं जॉम्बी को मार रहा हूँ और नीचे हमारे मेरे मेट्स ने जॉम्बी को मारा है तो उन्हें क्या क्या लूट मिली है, ये देखिए मैं जा रहा हूँ और ये लूट में देखिए M24 ओम और मैग्नम, बहुत अच्छी लूट मिलती है इनको मारने से। और इसमें एक और आपको नया गन देखने को मिलेगा जिसमें जिससे फायर निकलता है, आपको गैस कैन लेना पड़ेगा उसके लिए, और उससे भी आप जॉम्बीज़ को मार सकते हो और वो बहुत ज़्यादा ही अफेक्ट करता है जॉम्बीज़ को, तो आप वो फायर वाला भी ले सकते हो। ठीक है, जो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हो 150 लिखा हुआ है। आइए देखते हैं कि अब आप जॉम्बी से लड़ कैसे सकते हो, कैसे जो नाइट होता है रात में जॉम्बीज़ की पावर डबल हो जाती है उनसे कैसे आप बच सकते हो, क्या ट्रिक आप आजमा के उनसे बच सकते हो। जब दिन का टाइम होता है तो जो जॉम्बीज होते हैं इनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, आप चाहो तो ईजिली आप इनको किल कर सकते हो, एक दो अगर आपके पीछे पड़े तो आप उनको मार सकते हो। कोशिश करिए कि आपका पूरा स्क्वाड आपके साथ में रहे, जिससे कि आप सब एक किसी पर्टिकुलर जॉम्बी पे अटैक करोगे तो वो जल्दी मर जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको मार रहा हूँ तो कई सारी गोली मारने के बाद ये मर रहा है, फिर आप उसको उससे लूट कर लीजिए जो भी आपको लूट मिल रहा है, इनसे लूट बहुत अच्छी मिलती है। और अगर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा जॉम्बीज है तो फिर आप उन रिस्क मत लीजिए, आप वहाँ से हट जाइए। फिर डे टाइम होता है तो वो इजीली मर जाते हैं, मगर जैसे ही थोड़ा सा रात होता है, थोड़ा सा नाइट सीन आता है, पहले ही आपको मैसेज में आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि ये देखिए जैसे ट्रायंट इज़ कमिंग, तो ये ट्रायंट जो जॉम्बीज होते हैं उनका हेड टाइप का होता है, इसको बहुत ही मुश्किल होता है मारना, तो डे टाइम में तो आप इनसे लड़ सकते हो, मगर जैसे जैसे नाइट होएगा आप इनसे नहीं लड़ पाओगे, ये बहुत ही तेज़ हो जाते हैं। तो रात में लड़ने के लिए इनसे ये ट्रिक है कि आप जब भी इनके पीछे जाओगे तो ये इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे नंबर्स ऑफ इनके बढ़ते जाएंगे, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इनसे दूर भागिए। जैसे कि देखिए मैं जा रहा हूँ, यू माइट हर्ट समथिंग, चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका जो हेड होता है वो कैसा दिखता है। जब मैप आप खोलेंगे तो मैप में देखिए रेड कलर का बॉस लिखा हुआ सिंबल आएगा, जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आप जो इनका बॉस होता है उसको देख सकते हो। तो मैं जल्दी से इसके बॉस को दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैं जा रहा हूँ बस इसके बॉस के पास में, और ये मौसम देखिए धीरे धीरे रात वाला होता जा रहा है, ये रहा इनका बॉस ट्रायंट, ये अभी चारों तरफ से घिरा हुआ है, अब जैसे ही रात होगा तो ये खुल जाएगा, फिर आप अगर लड़ना चाहो इसे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इससे लड़ना, तो आप अवॉइड कीजिए कि आप इससे लड़ो, और अगर आपको पूरा जो आपके टीममेट से साथ में रहो तभी आप इससे लड़ो, नहीं तो मत लड़ो इससे। और ये जैसे जैसे रात होता जाएगा इनकी पावर बढ़ती जाएगी, द नाइट हैज़ अराइव्ड बी केयरफुल, तो जैसे जैसे रात हो जाएगा आप कोशिश कीजिए कि आप जितने भी जॉम्बीज हो रहे हैं वो ज़मीन में से निकलेंगे, आपका पीछा करेंगे, वो एक से दो होंगे, दो से तीन होंगे, इस तरह करते करते बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल सीधा जाइए और वो आपको किसी भी जो उनके पास वेपन होगा उससे अटैक कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मेरे पीछे एरो आ रहा है तो मेरे पीछे एक जॉम्बी है, अब एक से दो होंगे, दो से तीन होंगे, इस तरह बढ़ते ही चले जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको जिगजैग मोशन में राइट लेफ्ट करके चलना है, इससे क्या होगा कि वो जब भी आप पे अटैक करेंगे तो वो आपको टच नहीं कर पाएंगे। और रात होने से पहले आप कोशिश कीजिए जितने भी आपके पास ड्रिंक पड़े हो या फिर पेन किलर्स पड़े हो या इंजेक्शन भी पड़े हो वो सारा पी लिए, इससे क्या होगा कि जो जब आप पे अटैक होगा तो आपका जो ब्लड है वो बहुत तेज़ी से फिर से बढ़ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी ड्रिंक्स वगैरह पड़े हैं सब उसको पहले ले लीजिए, और जिगजैग मोशन में जितना ही आप भागेंगे उससे आप बचे रहेंगे। और इसमें ऐसा होता है कि जब आपके पास कार होता है तो कार में जो फ्यूल होता है वो बहुत ही कम होता है, वो थोड़ी दूर तक आप चलेंगे उससे फिर कार आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कार का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। और अगर आपके पास कार है तो आप थोड़ी देर तक कार में ही बचे रह सकते हो, और फिर कार से उतर के फिर आपको यही जिगजैग मोशन में राइट लेफ्ट करके आपको भागना होगा, तो इससे आप बच सकते हो जॉम्बीज से। और अगर वो आपको छूते हैं तो फिर जब भी आपके ऊपर अटैक करेंगे या फिर दौड़ के आपके पास आएंगे तो आपका जो
प्लेस है उस वो चेंज हो चुका होगा, तो आपको टच नहीं कर पाएंगे वो। और आप पहले से ड्रिंक लिए रहोगे तो आपका जो ब्लड है वो रिलीव होता रहेगा, रिफिल होता रहेगा, जिससे कि आप बचे रहोगे। अब जैसे जैसे दिन होता चला जाएगा फिर आप इनसे लड़िए और इजीली आप इनको मार सकते हो। ये देखिए जैसे जैसे दिन हो रहा है इनकी आँखें रेड से फिर येलो होती जा रही है और आप इजीली इनसे किल ले सकते हो। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपका जो बुलेट जो भी आपका गन होता है उसके रिलोड होने में काफ़ी टाइम लग जाता है और जब तक आपका गन रिलोड होगा वो आके आपको मार सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप इनसे जिगजैग मोशन में बहुत दूर तक जाइए और जब डे हो जाए तो फिर आप इजीली इन सबको किल कर सकते हो। जैसे देखिए मैं इसमें अब अपना हेल्थ किट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ब्लड बहुत ही कम हो चुका है। ठीक है, ये देखिए बहुत सारे जॉम्बीज मेरे पीछे आ चुके हैं। तो जब मैं जिगजैग मोशन में जा रहा था तो फिर ये इन्फेक्टेड वाले जो पर्सन है ये मेरे लोकेशन नहीं जान पा रहे थे, इससे इनकी संख्या कम हो गई थी। तो मैंने 4-5 को किल कर दिया और इस तरह मैं बच पाया। और अब जैसे जैसे डे होगा मैं डे होने का वेट कर रहा हूँ, जब डे हो जाएगा तो मैं इन सबको मुड़ के आराम से इजीली मार सकता हूँ। तो इस तरह आप बचे रह सकते हैं इनसे। जैसे नाइट का मैसेज आया था वैसे ही डे का भी मैसेज आएगा, इट्स गेटिंग ब्राइट। तब तक आपको ऐसे ही बचे रहना है और कुछ अगर आपके मेट्स आपके साथ में तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। आप सब जिगजैग मोशन में भाग के ऐसे बच सकते हो। अब देखिए मैसेज आ गया इट्स गेटिंग ब्राइट। जैसे जैसे दिन होता चला जाएगा इनकी पावर कम हो जाएगी और आप इनको ईजिली मार पाओगे। ये देखिए जैसे जैसे दिन हो रहा है फिर ये जितने हैं उतने ही रहेंगे और नहीं और ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। तो अपने गन को रिलोड कर लीजिए इस टाइम में और आप थोड़ा सा आगे जाके फिर पीछे मुड़ के अटैक करने से शुरू कर दीजिए। जी मैं पीछे मुड़ गया और ये देखिए मैंने फायरिंग शुरू कर दी। अब ये थोड़े से सुस्त हो गए हैं तो मैं इनको ईजिली मार सकता हूँ। ये देखिए ये बड़ा वाला गया और जो छोटे वाले हैं इनको मैं इसी तरह मार दूंगा। जब तक मेरा गन रिलोड होगा मैं पीछे की ओर जाऊंगा। और आपको ये भी देखना है कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनसे भी आपको बचना है। तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी इनको खेलेंगे इनको मारने की जॉम्बीज मारने के बाद आप बैठ जाए और अपना जो भी हेल्थ है उसको पहले वो कर ले, रिफिल कर ले, मेड किट्स वगैरह हेल्थ किट वगैरह यूज़ कर ले। और जब आप इनको मारोगे तो फिर आप इनसे जो भी आपको लूट मिलेगा लूट ले लीजिए और इस तरह आप खेल सकते हो जॉम्बी मोड में। दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके कि वो जॉम्बी मोड में कैसे खेल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारे वीडियोस के लिंक्स हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं, उनमें भी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग जेन्युइन रिव्यू। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।